सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैटनिक्स डिजिटल मीडिया। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक केस स्टडी की, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक क्लाइंट की ऐसी प्रॉब्लम जो शायद आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकाल सकती है। मैंने उनको तो सॉल्यूशन बताया ही बताया, मैंने सोचा कि ये सॉल्यूशन मैं आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी और मैं ट्रैवलिंग पे भी हूँ, मैं मीटिंग्स पे भी जा रहा हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज यही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी जाए, जिसमें मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊँ। सबसे पहला उन्होंने हमें बताया कि हमारा एक प्रोडक्ट है, हम उसको मैन्युफैक्चर भी करते हैं, हम उसको डिज़ाइन भी करते हैं, हम सारा काम करते हैं, फिर हम क्लाइंट एक्विजिशन पे भी काम करते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें जो ऑर्डर मिल रहे हैं ना, वो ऑर्डर्स नहीं लग रहे हैं हमें। एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज यार, ऑर्डर मिल रहे हैं और ऑर्डर नहीं मिल रहे, इसका क्या मतलब है? तो मैंने उनसे क्वेश्चन करे कि आप ये जो कह रहे हैं कि ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा, देखिए हमें जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो कुछ वेंडर्स से मिल रहे हैं, जो कस्टमर से कनेक्टेड है वो हमसे प्रोडक्ट लेता है बहुत ही चीप प्राइस में, इन अ बल्क क्वांटिटी, और फिर वो क्या करता है, वो उठा के कस्टमर्स को सेल कर देता है। अब देखिए, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है, वो ये पता करने की कोशिश करता है कि वेंडर्स जो है वो ऑर्डर्स ला कैसे रहा है, मतलब उससे कस्टमर अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे उसके पास तक पहुंच रहे हैं। तो इन्होंने भी पता करने की कोशिश करी, पता करने पे इन्हें ये पता चला कि उसके पास कुछ वेबसाइट है, उसके पास कुछ गूगल पे डाल के, कुछ कीवर्ड डाल के उसके पास लोग पहुंच रहे हैं। तो इन्होंने फिर ये सर्च करा कि ये वाले काम करता कौन कौन है, ये सब चीज़ें सर्च करनी शुरू करी कि एक बेस्ट डिजिटल एजेंसी कौन सी। वहाँ से इन्हें हमारा नंबर मिला, नंबर जब इनको मिला तो इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट करा और सारी प्रॉब्लम अपनी शेयर करी कि हम क्या करें, हमें नहीं पता, हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो हमारी टीम ने उनको जो सॉल्यूशन बताया वो ये है गाइज, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो कर क्या रहे हो, आप बेसिकली प्रोडक्ट बना रहे हो, आप डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो, आप थिंक भी कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में, सोच रहे हो कि कैसे इसको बेटर से बेटर बनाया जा सके, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि इसको अब इसको बेचना कैसे मार्केट में, या कैसे लोग हमसे परचेस करेंगे। आप क्या कर रहे हो, आप सब कुछ सोच रहे हो। वो जो वेंडर है वो क्या सोच रहा है, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे कस्टमर गेन करना है, कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर से टेस्टिमोनियल, ये सारी चीज़ें कस्टमर से लेनी है और मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोफेशनल। और आप क्या कर रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप वहाँ पे फंसे हुए हो, आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। वो एक चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो किस पे कर रहा है, कस्टमर अप्रोच पे, कस्टमर गेन पे। तो बात ये आती है, वो अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दे रहा है, आप हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो यार देखो लैग कर जाओगे। अगर आप अपने बिजनेस में परफेक्ट हो, आप अपने बिजनेस में ऑपरेशंस में बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आप अगर मार्केट में परफेक्ट नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। देखो जो लोग एक्सपर्ट हैं आप उनको हायर कर सकते हो, उनको अपना वर्क दे सकते हो। अगर आप चीप पे जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, आपका पैसा भी जाता है और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता। देखो हमारी टीम करती क्या, हमारी टीम यही काम करती है, आपको सारा प्रोसेस जो ब्रांडिंग का, जो वो बंदा अपने लिए कर रहा था, जस्ट फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट बनाना, अपना लोगो बनाना, अपनी कलर थीमिंग रखना, अपना विजन मिशन वैल्यू सब कुछ डिसाइड करना, वो सब हमारी टीम आपके लिए करके देगी। देखो बिजनेस ना, कोई भी बिजनेस खाली ऑपरेशन से नहीं चलता, ऑपरेशंस के साथ साथ आपको ब्रांडिंग पे ध्यान देना है, आपको अपनी सेल्स पर ध्यान देना है, आपको अपने सेल्स आफ्टर सपोर्ट पे ध्यान। तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जब हमने उनको सॉल्यूशन दिया तो उनको डील समझ में आई, उनको ये प्रॉब्लम समझ में आई और उन्होंने एट अ टाइम कल ही ये डील क्लोज कर दी। तो गाइज आई होप सो कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, अगर प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर बजटिंग के साथ किया जाए। मैं बता देता हूँ आपको कि काम होता कैसे, पूरा स्ट्रेटजी बनती है, 1 मंथ का क्या गोल है, 2nd मंथ का क्या गोल है, 3rd मंथ का क्या गोल है, क्वार्टरली क्या गोल है, ईयरली क्या गोल है, हाफ ईयरली क्या गोल है, सारे गोल्स डिसाइड होते हैं। तो आपको पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस को चलाना है, तभी जाके आप सर्वाइवल मोड पे आएंगे और एक ग्रोथ करेंगे, आइदर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये सारे गोल्स, ये सारे मेथड, सब कुछ आपको डिफाइन करके दिए जाएंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके बताओ और आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।